ये है आपका मेहनत का कमाई का मोबाइल। मेहनत का कमाई का पैसा से खरीदा है ये मोबाइल। बहुत दिल में हुआ खुश। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से और एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, फाइनली मोबाइल आ चुके हैं मम्मी पिताजी के लिए। डिलीवरी बॉय ने कॉल किया कि वो ही आ रहा है मोबाइल को पहुंचाने के लिए। यहाँ पर नहीं बल्कि उस तरफ नीचे की तरफ बुला रहे हैं, तो वो जाएंगे अभी रिसीव करने के लिए मोबाइल को। वो मोबाइल मतलब ले रहे हैं कड्डू का पैसा से, क्योंकि कड्डू बेच के पैसा मिला। तो गैस मेरा आजकल अर्निंग इतना नहीं हो रहा है, इसलिए मैं हेल्प कर नहीं पाया, लेकिन कड्डू का पैसा बढ़िया मिला है। वही पैसा से मोबाइल खरीद रहा है। वो मम्मी पिताजी दोनों एक ही साथ रहे थे ना, तो दोनों वो यूज़ करेंगे। तो अभी चलते हैं वहाँ पर। अरे कलू मत जा तू कलू। तो दोस्तों बहुत इतना गर्मी है गैस, आजकल का मौसम आजकल काफ़ी गर्मी लग रहा है यार। तो अभी चलेंगे मोबाइल को लेने के लिए, उसके बाद अनबॉक्सिंग करेंगे। अभी तो डिलीवरी बॉय आ रहा है, तो कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे कि वो अपना यूट्यूब का पैसा से क्यों खरीद के नहीं दिए हैं। ऐसे बोलेंगे कि वो अपना माता पिता को मोबाइल क्यों नहीं दिए, ऐसे बहुत लोग कमेंट करके बोलेंगे। तो हम लोग को कोचू बेच के और कुड्डू बेच के थोड़ा बहुत ही पैसा मिला है, तो मेरा आजकल अर्निंग इतना हो नहीं पा रहा है, इसी के वजह से मैं हेल्प कर नहीं पा रहा हूँ। तो पैसा तो मिला है थोड़ा बहुत, 40-50 के आसपास मिला है, तो इसलिए मोबाइल खरीदे हैं वो लोग के लिए। तो एक्सल में वो लोग को मम्मी पिताजी को मतलब मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल चलाने के लिए नहीं आते हैं, तो फिर भी लिए हैं जस्ट मतलब ऐसे हाथ में रखने के लिए। तो वो लोग तो मम्मी पिताजी लोग तो बहुत सिंपल मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल बस आज के बाद ही इस्तेमाल करेंगे एंड्रॉयड मोबाइल। आ गया भाई, ले जाइए ठंडा पानी। थैंक यू। तो ठंडा पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है डिलीवरी बॉय लोग को। तो इतना धूप पे ड्यूटी करता है, साथ में गर्मी में पहनता है पूरा हेलमेट। ये रहा आपका फोन। ओके बढ़िया है, तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा अभी। सो अभी खोल के देखते हैं। तो भाई साहब थोड़ा रिकॉर्ड कीजिए, अंगुली आ रहा है कैमरा में नहीं। तो क्योंकि इसके मत ना कभी कभी कोई कभी साबुन आता है, ईंट आता है, ये खोलना बहुत ही जरूरी है। तो खोल के देंगे मम्मी पिताजी को। तो चाइनीज कंपनी का लिया है, तो ओके। ऐसे चार्जर है, केबल है, और मोबाइल ऑन होता है कि नहीं होते हैं। मम्मी पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे। स्विच तो खुल गया है, ऑन हो गया। हाँ ऑन हो रहा, सही सलामत है, वो स्कैन नहीं हुआ गाइस। तो फिर से रख देते हैं, पेमेंट तो हो गया ना अब। तो बस अब इसको रखते हैं गाइस। ठीक है भाई, ठीक है। ये बैग बहुत भारी है ना ये। भारी तो होता है भैया। और हेलमेट भी पहनना पड़ता है, बहुत ही गर्मी होता होगा ना। बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा अभी। सो दोस्तों अभी जाते हैं मोबाइल को पहुंचाने के लिए, बहुत ही गर्मी है गैस। तो आजकल वीडियो बनाना काफी मुश्किल हुआ है तो गर्मी के कारण। कलुआ बढ़िया ना, कलुआ बढ़िया बड़ा हो गया कलु, पूरा ये भी खाली हो गया धूप में। और ये है मोबाइल तेरे लिए नहीं, तेरा तो ऑलरेडी है। ये है मम्मी पिताजी के लिए, तो मैं ऑलरेडी खोल के लेके आया हूँ, क्योंकि कभी कभी स्कैम होता है ना, इसलिए तो खोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ डिब्बा में साबुन मिलता है, ईट मिलता है, इसी का वजह से खोल के देखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन सिम नहीं है, नया सिम अप्लाई करना पड़ेगा 4G मोबाइल। तो अभी तो 5G का ज़माना है, लेकिन 4G तो हमारा यहाँ पर कहाँ, हमारे यहाँ पर सिर्फ चलता है 4G। 4G चलता है, फिर भी इतना काम का नहीं है, फिर भी 3G ही बोलूँगा, क्योंकि इंटरनेट का स्पीड 3G का बराबर ही है। ये बात बताओ, तो जब वीडियो अपलोड करते हो तो कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। बोलो। रात को मैं अपलोड करने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद सुबह से हो जाता है, और उसके जाने के बाद होता है, पूरा टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, 8-10 घंटा ऐसे कुछ। हाँ इसलिए बोलते हैं 3G हमारे यहाँ पर। पहुंच गया अभी, मिला पैसा,
पैसा तो मिला है तुरा जमाने से। ये है आपका मेहनत का कमाई का मोबाइल, मेहनत का कमाई का पैसा से खरीदा है ये मोबाइल। बहुत दिल में हुआ है खुश। ब्लॉगिंग करेंगे, ब्लॉगिंग करेंगे, वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। सो पिताजी का मोबाइल को हैंडओवर कर दिया हूँ, तो वो लोग वहाँ, लेकिन वहाँ पर सिम नहीं है, तो सिम अप्लाई करना जरूरी है अभी, तो बात नहीं करेंगे वो सिम से अप्लाई। तो ये अंदरत मोबाइल आएगा चलाने के लिए, धीरे धीरे तो आएगा। और रिसीव करने के लिए आता है? आता है, बस वही वही, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर देख रहा है सीरियल। सो दोस्तों अभी चलेंगे इस मोबाइल को टेम्पर ग्लास लगाने के लिए, तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर आगे उसी में ही टेम्पर ग्लास लगा के वापस आ जाएंगे फिर से। तो चलते हैं गाइस, आज पूरा सब काम फिनिश करते हैं। सो दोस्तों आते समय ना आँख में एक तो पूरा कीड़ा घुस गया था, वो इतना दर्द करते हैं। और यहाँ पर पहुँचा, क्या हाल है भाई? एक टेम्पर ग्लास दिखाए ना, क्या मॉडल? तो दोस्तों अभी जाना पड़ेगा वीडियो को अपलोड करने के लिए, पिछले वाला वीडियो को, तो यहाँ पर इतना नेटवर्क नहीं मिलता है, आगे जाना पड़ेगा बहुत आगे। सो मैं इस भाई साहब से बाकी करके लिया हूँ चिकन, बढ़िया बढ़िया चिकन, ताज़ा ताज़ा मीस फ्रेश फ्रेश, जब भी वो जरा देते हैं तो, और बाकी भी लेके जा रहा हूँ, तो मैं फ्रॉड नहीं करता हूँ, सही सलामत पैसा में रिटर्न कर देता हूँ मैं। चलते हैं कैसे भी? हाँ वो अंदर का नहीं ना, अंदर नहीं। ओके, कुछ भी लेता हूँ इसको पता चलता है, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और गैस वीडियो अपलोडिंग करते करते काफ़ी लेट हो चुका हूँ। ले जाइए चिकन, फिनिश कर दीजिए इसको। आता किसी? हाँ हमारे लिए खाते हो जाएगा। हाँ अकेले खाने वाला ना, इसलिए अकेला दो दो बेटी तो नहीं खाता है अस्मिता। हाँ और इसको दे देना कल वहाँ को। ले जाइए मोबाइल, लग गया टेम्पर ग्लास, हैंडसम हो गया, अभी सिक्स पैक निकल गया, आज के बाद एंड्रॉयड का मालिक बन गया। बन गया, धीरे धीरे अभी ब्लॉगिंग करेंगे। ठीक है, बनाएंगे। ओ ये कोचू के साथ बहुत ही बढ़िया होता है, बिल्कुल लोकल स्टाइल। तो काफी हाँ, काफी बहुत लग रहा है मिर्ची, पूरा कैमरा में मतलब बेकार लग रहा है, मिर्ची कम लग रहा है, लेकिन अंदर पूरा मिर्ची, फूल मिर्ची, या खाएंगे मजा से। फाइनली ये भी कुकिंग हो चुका है, एकदम जल रहा है, देखिए गाइस। अभी बस इसको अच्छी तरह से पीसना है। तो ये मिर्ची के साथ चिकन की चटनी, और ये एक्स्ट्रा बनेगा ना, एक्स्ट्रा? हाँ एक्स्ट्रा है, वहाँ पे है मिर्ची, उसको पीस के रखी है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वो इतना मिर्ची, ड्राई पीस और लहसुन, आज तो मजा आएगा। चिकन भी है और वो सीज भी है, वो सब्जी क्या बोलता है, लता करने वाला, क्या इंडिकम बोलता है वही, और साग भी है मिर्ची के साथ, खूब खाएंगे। तो मैं घर में तो लेके गया मैं ऑलरेडी वो चिकन हुआ, तो मम्मी जी तो बहुत खुश हो गया, और बहन तो नहीं खाती हैं, पिताजी बस थोड़ा बस एक दो पीस से काम चलते हैं, मम्मी थोड़ा खुश हो गया। तो ऐसे बॉयलर जता नहीं खाना है, तो वो चीज़ खाने से ना घुटना दर्द करते हैं पूरा, वो हड्डी का हड्डी दर्द करते हैं वो खाने से, क्योंकि वो बॉयलर चिकन में एस्ट्रॉइड मारते हैं, क्या क्या मारते हैं पता नहीं, तो इसी का वजह से साइड इफेक्ट होते हैं, फिर में थोड़ा जोरा में होते हैं तो हड्डी में कमर पे। तो मैं आजकल चिकन में कम खा रहा, मैं हो सके तो मछली खाते हैं लोकल वाला वो भी। तो यहाँ पे चटनी बन रहा है, होनालो की चटनी, और हमने इसमें काफ़ी ड्राई फिश मिर्ची डाल दिया था। वाह वो चटनी और ये साग, खाना निकल चुके हैं चिकन के साथ। तो दोस्तों आ चुके हैं इसमें डिनर, तो ये चिकन कोंचू के साथ, और ये
बापरे तोला चिकन से बेहतर है। चिकन जिंदा पत्नी है तो खाना वाना खाने के बाद कब फिर रेस्ट किया है और अभी नहाते हैं, नहाने के बाद बिंदास करके सोएंगे गाइस। अभी आता है मुगल चलाने के लिए, जियो लेने पड़ेगा तो सिम जियो यार चलो कब नहीं देता है। सो दोस्तों अभी मुझे जाना पड़ेगा वीडियो को अपलोड करने के लिए, कल के वीडियो को आज तक तो खत्म करना पड़ेगा। तो सो दोस्तों आज के वीडियो को अभी खत्म करते हैं, तो मिलते हैं कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय दोस्तों और गुड नाइट। तो बहुत दूर जाना पड़ेगा यार, तो पिताजी बोला यार चल किसी काम का नहीं जियो, लेकिन तरह तरह है यहाँ पर आप लोग करने के लिए 6-7 घंटे के आसपास लगते हैं।